हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द रिलीजियस लिटरेचर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द अर्श एंड क्लासिकल एपिक्स। अर्श मींस कंपोज्ड बाय ऋषि। अर्श, ओके, ये अर्श जो है मींस कंपोज्ड बाय ऋषि एंड क्लासिकल एपिक्स। एज वी नो वी हैव टू क्लासिकल एपिक्स, एंशियंट एपिक्स जिसे हम कहेंगे, महाभारत और रामायण। These are ancient epics. Now look, Ramayana and Mahabharata are two arch epics of ancient India. Ancient India के कौन से हैं ये epics हैं, यानी महाकाव्य हैं। Arch means what? Arch means composed by Rishi. Arch का मतलब, ये arch का meaning क्या है? कि जो ऋषि मुनियों ने compose किए हुए। Okay, next one, the Ramayana was composed by the Rishi Valmiki. जैसे हम सबको पता है कि रामायण कि किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, और इसके जो मेन कैरेक्टर है वो श्री राम। रामायण किस मतलब किसका, रामायण का मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो ये कौन है, राम। ओके, एंड महाभारत हैज बीन कंपोज बाय द सेम व्यास। जो महाभारत ये महाकाव्य है, ये किसने कंपोज किया है, ये कंपोज किया हुआ है व्यास। ओके, इस मेन वॉर बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। थीम मतलब क्या, थीम मींस विषय, सब्जेक्ट, टॉपिक। ओके, मेन थीम क्या है महाभारत की, सो बैटल और वॉर बिटवीन पांडव एंड कौरव। कौरवों का और पांडवों के बीच का युद्ध को कहां पर दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है महाभारत। महाभारत एंड रामायण, दीज आर टू एंशिएंट एपिक्स। ओके, नाउ इट आल्सो टेल्स अबाउट लॉर्ड कृष्णास लाइफ। महाभारत जो है, कल ही हमने डिस्कस किया था जो भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता इज आल्सो पार्ट ऑफ महाभारत। सो महाभारत में और किसके बारे में बताया गया, यस, महाभारत ये किसकी वजह से, मतलब कौरव और पांडव का युद्ध है, ये दोनों का युद्ध वहां पर बताया गया है, दर्शाया गया है। लेकिन उसके अलावा कृष्णस लाइफ, इट टेल्स अबाउट द लॉर्ड कृष्णस लाइफ, कृष्ण भगवान के जीवन भी इससे हमें पता चलता है। तो महाभारत प्रोवाइड्स comprehensive picture of the various human sentiments. We have different human sentiments. So, human sentiments के बारे में भी ये picturize करता है, and emotions and their consequences. Sometimes there is such a period in the history of language, life, literature and art that is its glory remains undiminished even later on. The art, literature, etc. produced in such period is said to be classical. रघुवंश एंड कुमार संभव बाय कालिदास। कालिदास के बारे में हमें, मुझे लगता है इससे पहले मैंने आपको बताया, कालिदास भी एक बहुत बड़े पोएट थे, जैसे जिन्होंने मेघदूतम की या अभिज्ञान शकुंतलम की उन्होंने निर्मित की है, तो इनके लिए वर्क है। एंड शिशु पर्व बाय मेघा आर वेल नोन composition of the ancient period written in classical Sanskrit. Okay, तो रामायण, महाभारत और कालिदास ने जो रचे हुए, जो भी कंपोज किए हुए जो वर्क्स हैं, दिस आर और दिस अब पार्ट ऑफ लिटरेचर। ये क्या है, लिटरेचर है, एक साहित्य है। Okay, so this is about the Arsh and classical epics. Arsh means what? Composed by Arsh. Okay, now next I am going to explain you theatre.